अस्सलाम वालेकुम, बलोच साहब यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम फैसल है और यह है आज की हमारी वीडियो। ओप्पो ने ओप्पो A15 को पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है। रिटेल प्राइस की बात करें तो 20,999 रुपये रखी गई है। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो A15 की कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या यह वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें हमें 6.52 इंच का IPS LCD पैनल दिया गया है, जिसकी जो रेजोल्यूशन है वो है 720p, यानी कि इसमें हमें HD+ जो है डिस्प्ले दिया गया है। और ये डिस्प्ले एक नॉच वाला डिस्प्ले है, यानी कि इसमें हमें एक ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया गया है, यानी कि पंच होल हमें नहीं दिया गया। तो डिस्प्ले जो है अच्छा है, अगर बेहतर होता कि यहाँ पर हमें पंच होल डिस्प्ले दिया जाता। उसके अलावा ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 के साथ में आता है, जिसके साथ UI हमें कलर OS 7.2 मिलता है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो इसमें हमें MediaTek हीलियो P35 का ऑक्टाकोर चिपसेट दिया गया है, जो कि 12 नैनोमीटर पे फैब्रिकेटेड है। साथ में पावर VR का GPU है, 3 GB की रैम है जो कि LPDDR4X वाली है, और 32 GB की बिल्ट इन स्टोरेज है। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो एक नॉर्मल सी होने वाली है, यानी कि अगर आप एक गेमर हैं तो ये जो फ़ोन है आप लोगों के लिए नहीं है, नॉर्मल यूज़ के लिए अच्छा है। अगर आप नॉर्मल गेमिंग भी करेंगे तो आप जो है इसमें हैंडल कर पाएंगे, लेकिन अगर आप हैवी गेमर हैं तो आप जो है इसे अवॉइड करें। उसके अलावा अगर कैमराज की बात करें तो बैक साइड पे जो है ट्रिपल रेयर कैमराज हैं, जिसमें जो मेन कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का, उसके साथ जो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट साइड पे हमें 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि ड्यू ड्रॉप नॉच में हमें दिया गया है। अगर हम कैमराज को देखते हैं तो कैमराज जो है नॉर्मल सी दी गई हैं, कम से कम जो है फ्रंट साइड पे हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा तो देना चाहिए था। तो कैमराज भी जो है आई थिंक सो के अंडर पावर हैं, लेकिन क्वालिटी आई थिंक सो के अच्छी होगी। अगर हम बैटरी की बात करें तो 4230 mAh की इसमें हमें बैटरी दी गई है, जिसके साथ जो है हमें नॉर्मल 10 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि फास्ट चार्जिंग नहीं है। उसके अलावा इसमें हमें माइक्रो USB की कनेक्टिविटी मिलेगी, 3.5 mm ऑडियो जैक मिलेगा, डेडिकेटेड सिम स्लॉट का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि एक टाइम पर आप 2 SIM और एक मेमोरी कार्ड को लगा पाएंगे। उसके अलावा इसकी जो बिल्ड है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की है, और डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है। और बैक साइड पे हमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा, और फ्रंट साइड पे हमें फेस अनलॉक का भी ऑप्शन दिया गया है। और ये फ़ोन जो है 2 कलर्स में दस्तयाब है, जो कि ब्लू एंड ब्लैक कलर में है। तो ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन जो है अच्छी है, लेकिन प्राइस जो है थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई है। तो ये जो स्मार्टफोन है आई थिंक सो के ओवर प्राइस हो जाता है। अगर बेहतर होता कि इसे जो है 17 और 18 हज़ार में जो है लॉन्च करते हैं तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता था, लेकिन ये फ़ोन आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट के बाद 19-19 हज़ार में मिल सकता है। अगर 19.5 में मिलता है तो ओप्पो लवर्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप गेमर नहीं हैं, नॉर्मल यूज़ के लिए इसे बाय करना चाहते हैं तो आई थिंक सो के काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ओप्पो के जो फ़ोन हैं उनकी रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को आगे तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।